आप जिस स्प्रे को अभी देख रहे हो वो एक ऐसा स्प्रे है जो किसी भी चीज को देखने में स्टोन में बदल सकती है। और जिस हवाई जहाज को अभी आप देख रहे हो वो कोई हवाई जहाज नहीं है बल्कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा ड्रोन है। और एक लीफ अपनी पूरी लाइफ में इतने स्टेजेस से गुजरती है, यानी कि इसकी लाइफ साइकिल है ये। और क्या आप ये जानते हो कि चिप्स और बाकी स्नैक्स पैकेट में ये कौन सा गैस भरा जाता है और क्यों भरा जाता है? और क्या है कि हम अर्थ पर एलियंस के आने से इतना डरते क्यों हैं? मे भी आप जानते होंगे, पर इस बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आधी इन्फॉर्मेशन हमेशा डेंजरस होती है। नंबर 30, आप जिस राइट साइड वाले चीता को देख रहे हो उसका नाम है किंग चीता। और ये एक कलर म्यूटेशन की वजह से चीतों की प्रजाति में बहुत कम चीतों में ही होता है। और आप एक रेगुलर चीता और किंग चीता के बीच में डिफरेंस देख सकते हो। नंबर 29, भाग मिल्खा भाग जो मोटिवेशन मूवी आई थी और जो मिल्खा सिंह की बायोग्राफी मूवी थी, उसके लिए मिल्खा सिंह ने सिर्फ 1 रुपए ही चार्ज किया था, क्योंकि इस मूवी के थ्रू वो पैसे नहीं कमाना चाहते थे बल्कि वो बस हमारे यंग जनरेशन को स्पोर्ट्स फील्ड की तरफ अट्रैक्ट करना चाहते थे और उन्हें इसके बारे में अवेयर करना चाहते थे। नंबर 28, जैसा कि हम जानते हैं कि मुंबई को इंडिया का इकोनॉमिकल कैपिटल कहा जाता है, मगर क्यों कहा जाता है आप इस फैक्ट से जान लोगे। अकेले मुंबई में ही इंडिया के 46,000 मिलियनियर्स और 28 बिलियनर्स रहते हैं। और अगर सिर्फ मुंबई की टोटल वेल्थ निकाली जाए तो वो होगा $820 बिलियन। मुंबई तो वैसे सपनों का शहर था, लेकिन अब वो धीरे धीरे पैसों का शहर भी बनता जा रहा है। नंबर 27, आपने आज तक न जाने कितने ही गजब के बिल्डिंग्स देखी होगी, मगर जो 2023 में एक बिल्डिंग बनने वाली है उसके बारे में तो किसी ने इमेजिन तक नहीं किया होगा। दरअसल साउथ कोरिया में ऐसे ही बिल्डिंग बनने जा रही है जो चाहे तो शील्ड के हवाई जहाज की तरह कभी भी इनविजिबल हो सकती है। दरअसल ये सब ये बिल्डिंग LED फैकेड सिस्टम के थ्रू अचीव करने वाली है। वाओ। नंबर 26, कैथोलिक चर्च में एक ऐसा भी लॉ होता है जिसमें अगर आप किसी का मर्डर करते हो और उसे किसी प्रीस्ट को बताते हो तो अकॉर्डिंग टू दैट लॉ वो प्रीस्ट उस मर्डर वाली बात को हमेशा सीक्रेट ही रखेगा और अपनी पूरी जिंदगी में और किसी को नहीं बताएगा। बट ये लॉ हमारे जुडिशियल सिस्टम में एक क्राइम है, क्योंकि गुनेगार को बचाने वाला गुनेगार ही होता है। नंबर 25, आपने दुनिया में बहुत ही अजीबोगरीब गार्डन्स तो देखे ही होंगे, मगर जिस गार्डन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ उसको जानकर आप पूरी तरीके से चौंक जाओगे। ये है द पॉइजन गार्डन जो कि UK में मौजूद है, जिसमें तकरीबन 100 ऐसे प्लांट्स हैं जो आपको आसानी से किल कर सकते हैं। और इसमें आप तभी घूम सकते हो जब आपके पास एक प्रोफेशनल गाइड हो, मगर घूमते वक्त भी आप सावधान रहना, क्योंकि इन प्लांट्स को जलने से जो धुआं उड़ता है उससे भी आप आसानी से बेहोश हो सकते हो। नंबर 24, आप जरा इस अमेजिंग इमेज को देखो। इसमें ये बखूबी बताया गया है कि अगर आप प्राइवेट की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करते हो तो रोड्स पर ट्रैफिक कितना ज्यादा घट जाएगा। इस इमेज में टोटल 150 लोग हैं जो कि 103 कार में फिट हो सकते हैं या फिर सिर्फ एक पब्लिक बस में। इससे हमारे नेचर को भी काफी ज्यादा फायदा होगा, सो प्लीज यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज मच एज यू कैन। नंबर 23, आपने न जाने कितने ही बड़ी ठगी देखे होंगे, मगर इस ठगी के सामने वो सब छोटे पड़ जाएंगे। एक बार एक फ्लोरिडा में रहने वाले एक आदमी ने फ्लोरिडा काउंटी में एक विला यानी कि आलीशान मकान खरीदता है, वो भी $9,100 देकर। मगर जब वो अपने विला में शिफ्ट होने जाता है तो उसे पता चलता है कि वो विला सिर्फ 100 फीट वाला ग्रास स्ट्रिप होता है जिसकी कीमत मुश्किल से $50 होगी। और ये एक आलीशान विला के जस्ट सामने था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इस विला के मालिक ने इस विला को कितनी ही चालाकी से बेचा होगा। नंबर 22, ये एक बहुत ही लॉजिकल और इमोशनल फैक्ट है, इसलिए आप इसे ध्यान से सुनना। अगर धरती पर रहने वाले हर एक इंसान जिस रेट से एनिमल्स को मारता है, अगर उसी तरह वो एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर दे तो धरती पर ह्यूमंस सिर्फ 17 दिन में ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। और आप इसे अंदाजा लगा सकते हो कि आजकल इंसान कितने मतलबी और हार्टलेस बन जा रहे हैं। नंबर 21, 19 सेंचुरी के ग्रेट ब्रिटेन में सुसाइड करना एक बहुत बड़ा क्राइम माना जाता था, और अगर कोई भी सुसाइड करते हुए पकड़ा जाता था तो उसे पनिशमेंट के रूप में फांसी दी जाती थी, कोई और सजा नहीं बल्कि सीधे फांसी। फ्रेंड्स, सच में इन फिरंगियों के लॉजिक मेरे तो पल्ले नहीं पड़ते। नंबर 20, आप अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में तो जानते ही होंगे, मगर क्या आप ये जानते हो कि अकेले
स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर हर साल लगभग 600 वोल्ट की बिजली गिरती है, और जब इस पर बिजली गिरती है तो डिट्टो मार्वल के गॉड ऑफ थंडर थॉर की तरह इसकी इमेज बनती है। नंबर 19, आपने कभी सोचा है कि वो कौन सी इंसानों द्वारा बनाई गई चीज है जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा हो? वो चीज है, रुको आपको बेस से बताता हूँ। अगर रोड पे ऐसे मशीन की बात करें जिसका स्पीड सबसे ज्यादा हो तो वो होगी बुगाटी शिरोन सुपर स्पोर्ट्स कार, जिसकी स्पीड है 483 किलोमीटर पर आवर। और अगर हम आसमान की बात करें तो ये रिकॉर्ड है नॉर्थ अमेरिका Into 15 जेट की, जिसकी स्पीड है 7274 किलोमीटर पर आवर। पर जो मशीन जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा है और वो इंसानों द्वारा बनाई गई हो वो है स्पेस का पार्कर सोलर प्रॉप, जिसकी सुपर स्पीड है 692,000 किलोमीटर पर आवर। वाओ। नंबर 18, हरियाणा में एक लड़के ने अपने BMW को बस इसलिए पानी में ढकेल दिया क्योंकि इसके डैड उसके लिए जैगुआर कार नहीं ले रहे थे। लिटरली भाई, जिसके पास जितना होता है उसे उतनी ही चीजों की कमी होती है। नंबर 17, अभी वायरस की वजह से मास्क की क्या वैल्यू है ये सभी जानते हैं, पर क्या आप जानते हो कि वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव मास्क कौन सी है, और है भी तो कितने की है? और सबसे मेन सवाल कि ये अगर वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव मास्क है तो इसमें और मास्क के मुकाबले और क्या फैसिलिटी मौजूद है? तो मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव मास्क ये है, और इसकी कीमत लगभग 11 करोड़ रुपए है, और इसमें फैसिलिटी के नाम पर सिर्फ डायमंड है। नंबर 16, आप अभी जिस इमेज को देख रहे हो वो कोई फोटोशॉप्ड इमेज नहीं है बल्कि 100% रियल इमेज है, और ये गेट सच का अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी का एंट्री पॉइंट है, और ये अनबिलीवेबल लेक जुग है जो कि स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है। जस्ट अनबिलीवेबल। नंबर 15, आपने कभी ना कभी लेजेंडरी मैरियो गेम तो खेला ही होगा, और अगर खेला नहीं होगा तो इंटरनेट पर देखा तो होगा। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि मैरियो अपने गेम में कॉइंस कैसे कलेक्ट करता था तो आप में से लगभग 99.9% लोग यही बोलेंगे कि वो कॉइंस को अपने हेड से कलेक्ट करता था। मगर मैरियो गेम की सबसे गजब बात तो ये है कि मैरियो कॉइंस को अपने हेड से नहीं बल्कि अपने हैंड से कलेक्ट करता था। नंबर 14, मिली 11 इयर्स की एमिना एपेंडिवास है, जिनका फेस एक काइंड ऑफ आर्ट है, और इन्हें देखकर कोई ये नहीं बोल सकता कि ये गर्ल रियल वर्ल्ड में बिना मेकअप के ऐसे ही दिखती है, मगर ये सच है। और इनका ये कंडीशन दो रेयर डिसीज की वजह से है, जिसमें से पहले एल्बिनिज्म, जिसमें मेलेनिन पिगमेंट ना होने से इनका स्किन ऐसा व्हाइटिश दिखता है, और सेकेंड डिसीज है हेटरोक्रोमिया, जिसमें इनके दोनों आईज को दो अलग अलग कलर्स हैं। नंबर 13, जैसा कि हम जानते हैं कि हर डिकेड यानी 10 साल की पीरियड में कई चेंजेस आते हैं, जैसे आज 2020 में हम सबके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट है जो 2010 में शायद आपने सपने में भी इमेजिन नहीं किया होगा। तो अगर हम बात करें कि वो कौन सी चीज होगी जो अगले डेकेड यानी 2030 में हमारे डेली लाइफ में आज के स्मार्टफोन जैसी होगी, तो वो चीज है स्पेस इंटरनेट, हाइपर लूप, डोमेस्टिक रोबोट्स, 3D प्रिंटिंग, VR क्लासरूम्स, और भी कई सारे जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। नंबर 12, चीता जो कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट लिविंग क्रिएचर है, पर उसके बारे में गजब फैक्ट तो ये है कि वो कभी भी 20 सेकंड से ज्यादा नहीं दौड़ सकता, क्योंकि जब वो 20 सेकंड से ज्यादा दौड़ लेता है तब उसके सिर्फ बॉडी का ही नहीं बल्कि ब्रेन का भी टेम्परेचर 109 डिग्री फारेनहाइट पहुंच जाता है। और अगर चीता इसके बाद भी दौड़ता है तो हाई टेम्परेचर की वजह से उसका ब्लड वापिस से उसके ब्रेन में एंटर कर जाएगा, जिससे उसकी अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। नंबर 11, हमारे क्लोथ्स का कलर हमारे कैमरे से ली हुई इमेजेस पर बहुत इफेक्ट डालता है। जैसे जब आप येलो कलर का क्लॉथ पहनते हो तो आप कुछ हद तक कैमरे में बड़े दिखते हो, और जब आप ग्रीन क्लोथ पहनते हो तब आप कैमरे में थोड़ा स्मॉल दिखते हो यानी कि छोटे दिखते हो। नंबर 10, स्नूजलेस अलार्म्स ऐसे अलार्म्स होते हैं जिसमें आप जब तक सुबह उठकर अपना फीट यानी कि पैर इस अलार्म पर नहीं रखते तब तक ये बंद नहीं होता। मेरे ख्याल से इस टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा इस्तेमाल लॉकडाउन के दौरान ही हो सकता है।
नंबर 9, ये एक बहुत ही मजेदार घटना है। एक बार 1971 में एक चोर किसी के घर में घुसता है, मगर घर के ओनर द्वारा बनाए गए ट्रैप में वो फंस कर पिट जाता है। अगले दिन वो चोर कोर्ट में इसके खिलाफ कंप्लेंट करता है और उसको जो डैमेज हुआ इसके लिए मकान मालिक से पैसे मांगता है, और आप विश्वास नहीं करोगे कि वो इस केस में जीत भी जाता है। वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। नंबर 8, इंग्लैंड में एक स्कूल है जिसका नाम है क्राइस्ट हॉस्पिटल बोर्डिंग स्कूल, और उस स्कूल की सबसे मजेदार बात तो ये है कि 1556 से लेकर अब तक इस स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं बदला है। नंबर 7, आप में से शायद ये कोई बात जानता होगा कि एक न्यू बॉर्न बेबी अपने पूरे वेट को लेकर एक चिनअप बार में लटक सकता है। इतने पावर तो यंग पर्सन के पास भी नहीं होती। नंबर 6, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस दुनिया में ऐसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी है जो आपको एलियन अटैक से सेफ्टी दिलाएगी, तो आप में से कितने यकीन करोगे? ये तो मुझे नहीं पता, पर सबसे गजब फैक्ट तो ये है कि करंटली इस पॉलिसी को एस्टिमेटेड 30,000 लोग यूज करते हैं। बट मुझे नहीं पता कि किसने इसको स्टार्ट किया, पर जिसने भी इसको स्टार्ट किया होगा। नंबर 5, एमिनम का एक गाना रैप गॉड, उसमें एमिनम ने 1,560 वर्ड्स को 6 मिनट 4 सेकंड के वीडियो में बोला है, जो कि रैप फील्ड में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा वर्ड्स इन अ हिट सिंगल का। नंबर 4, लिम्का, गोल्ड स्पॉट, सेट्रा, माजा, थम्स अप, ये जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनियां हैं, इन्हें पहले पार्ले ओन करता था, पर पार्ले ने इन सारी कंपनियों को सिर्फ $40 मिलियन में कोको कोला को 1993 में बेच दिया था, और आज इन कंपनीज का रेट कई $1 मिलियन नहीं बल्कि कई $100 बिलियन है। नंबर 3, एक बार जर्मनी और इंडिया का हॉकी मैच चल रहा था और उसमें इंडिया मेजर ध्यानचंद की मदद से मैच को जीत लेता है, और उसके बाद हिटलर मेजर ध्यानचंद के पास आता है और उन्हें जर्मनी के सिटीजनशिप और जर्मनी के मिलिट्री फोर्स में हायर पोस्ट का लालच देते हुए जर्मनी में रहने के लिए कहता है। पर मेजर ध्यानचंद इतने बड़े ऑफर को भी सिर्फ अपने देश के लिए इनकार कर देते हैं। नंबर 2, आप जब भी स्नैक्स खरीदने के लिए मार्केट में जाते होंगे तो आपने इन पैकेट्स को तो जरूर देखा ही होगा, जिसमें चिप्स कम और हवा ज्यादा होती है, मगर इसमें कौन सी हवा भरी जाती है और क्यों भरी जाती है, ये शायद ही आपने सोचा होगा। दरअसल ये हवा ऑक्सीजन या आम एयर नहीं बल्कि नाइट्रोजन होती है। पर अब एक और सवाल बच गया कि इसमें हवा क्यों भरी जाती है, तो इसका पहला रीजन तो आप सब जानते ही होंगे कि पैकेट को बड़ा दिखाने के लिए, मगर इसके अलावा भी दो और मेन रीजंस हैं। पहला तो ये कि ये हवा चिप्स को कैरी करने के दौरान टूटने से बचाती है, और दूसरी ये कि नाइट्रोजन गैस चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से बचाती है, जिससे हमें ये चिप्स और टेस्टी और क्रंची लगते हैं। नंबर 1, आप में सबसे पहली बार एलियन के बारे में कब जाना, ये तो मुझे नहीं पता, पर क्या तब से लेकर अब तक आप इस बात से डरते हो कि क्या होगा अगर एलियंस हमारे अर्थ पर आ जाएं? दरअसल एलियंस के अर्थ पर आने से हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हम ये बात बखूबी जानते हैं कि अगर एलियंस हमारे अर्थ पर आने की काबिलियत रखते हैं तो ऑब्वियसली वो हमसे ज्यादा ही इंटेलिजेंट होंगे, और जैसा कि हम जानते हैं कि जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होता है वही पूरे प्लैनेट को अपने अनुसार चलाता है। एग्जांपल के लिए हम इंसान ही ले लो, जैसे कि हम जानते हैं कि इंसान इस अर्थ पर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लिविंग बीइंग है, पर कई बार वह इस चीज का गलत इस्तेमाल भी करता है, जैसे बाकी जानवरों को कैद करके सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करना। और जानवरों का यह डर हम इंसानों में भी होगा अगर किसी तरह इस अर्थ पर एलियंस आ जाए। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो करना मत भूलना, लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।